गाइस शायद वो रूम में ना तुम तो लोग चलो आओ गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज़ आप लोग कह रहे होंगे आज आपने घर से ना स्टार्ट किया ना गाड़ी के अंदर से स्टार्ट किया तो कहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो आज हमने किया है बैरा से स्टार्ट क्योंकि अब हम आए हैं बैरा और पिछली बार भी हम आए थे एक दफ़ा शूट पे, इस बार भी हम जा रहे हैं कहीं एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए बिकॉज हम घर से इतना नहीं खा गए थे क्योंकि हम लोगों को इतना नहीं पता था कि वहाँ पर जाके क्या खाना है, तो हम लोग बस अभी कुछ खाने पीने के लिए लेके आए तो लेट्स गो कुछ खाते हैं पीते हैं। नगेट्स और फ्राइज मैं कह रही हूँ कुछ ये स्नैक्स ना ले लें उसमें से, बस आई डोंट वांट एनी स्नैक्स, पता नहीं स्नैक्स स्मार्ट 24। ओके सो लेट्स सी सो अभी हमने वहाँ से जो क्या है सिंपल सफ़ेद हमने लिया है नगेट एंड फ्राइज जो हम खाएंगे अभी, और यहाँ पे हम बैठे हैं बोर हो रही हूँ और मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और हम एक बस के अंदर हैं और बस के अंदर जो बहुत अनकम्फर्टेबल हूँ मैं, नहीं मुझे नहीं भेजी और मैं बहुत अनकम्फर्टेबल हूँ और बड़ी मुश्किल से हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर और ईजीली चल। अब जस्ट हम वेट करेंगे अपने फूड का, देन जब फूड रेडी हो जाएगा फिर वो खाएंगे बस के अंदर क्योंकि इतने सारे फैमिली सब लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो अभी हम लोग अपने फूड का वेट कर रहे हैं और क्योंकि अभी हम बाहर जो हमारी बस है थोड़ा 10 मिनट की रेस्ट की रुकी थी बैरा, तो हम वहाँ से अपने आप पर सिंक सकते हैं। और याद होगा आप लोगों को जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा होगा पिछले पिछला उस पर मैंने क्या किया था कि हम बैरा आए थे, हमारा शूट था, हमारा सिंपली सूफी का ही ऐड था और उसमें मैंने सिंपली सूफी बहुत मजे का था। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं चल करके आराम से अभी वेट कर रहे हैं और हमारा जब खाना आएगा फिर हम जाएंगे क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था कि हम जाएंगे। मैं समझी थी कि बस थोड़े टाइम में, लेकिन अभी बहुत बहुत लंबा रास्ता है और मैंने सोचा था कि सर्दी होगी लेकिन यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं सर्दी का, सिर्फ फॉग है जो बहुत ज़्यादा है। और बस अभी वेट करें कि खाना खाने में भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मैं सोच रहा डाइट करेंगे फिर मैंने नहीं इवन नो नो खाना खाना है तो मैं खाना खा रही हूँ, अब मैं खाना खाऊंगी क्योंकि वीक हो गई मैं बेचारी और भी मेरी यहाँ पे ओके बाय बाय गाइस। मैं बस वेट कर रही हूँ खाना खाएंगे फिर डायरेक्ट वो अभी यहाँ पे खाना वहाँ पे साथ लेके जाएंगे और बैठ जाएंगे। एक तो मैं इतनी अनकंफर्टेबल हूँ ना गा नहीं सकती, ओह वो लगा हुआ है उससे सारे बेचारे मच्छर मार लेंगे। हमारा खाना अब हम इसको लेके जा रहे हैं और अब बैठ के हम चलो के खाएंगे, वो है हमारी बस और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। वो नगेट्स और नगेट्स नहीं है ये क्या है वो आई थिंक सब मैं भूल गई ये क्या था पॉपकॉर्न्स थे और वो हमारी बस है और वहाँ पे हम जाने लगे हैं। ये हो रही है यहाँ पे क्या बारिश और बारिश के साथ साथ क्या मौसम होगा और मैंने बस पहने हुए कपड़े जो गुजारे लायक हैं कि इतनी ठंड और ये बारिश मुझे ऊपर गिर गई और इतनी गुजारे लायक है। इसका पानी जितना ठंडा है ना गाइस मैं बता नहीं सकती बहुत ठंडा है। अभी हम यहाँ से अभी हमने स्टे किया था, अभी हमने नाश्ता किया था, नाश्ता मैंने आपको दिखाया नहीं सॉरी, अंडा पराठा खाया बहुत लेवल का था, मज़ा आ गया, अल्लू वालों ने टच करा दी जो हमारे जो मेरे साथ क्या अभी वो कितनी ठंड लग रही है मुझे। अच्छा क्या है जो हमारी जो जैकेट थी ना ये मैंने जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं इसके अंदर मैंने समझे कुछ भी नहीं पहना हुआ, इतनी कोई पतला है ना ये इतना पतला है तो मुझे ठंड लग रही है अभी भी इस तरह। और जो बाकी मेरे ड्रेसेस थे ना वो उस मेरे बैग जो जैकेट वगैरह सारा का वो मम्मा ने कहा साथ ले जाओ, लेकिन हमने मम्मा की बात नहीं सुनी और हमेशा जब मम्मा की हम बात नहीं सुनते तो हमारे साथ गलत होता है, तो मैंने क्या किया कि वो बैग जो है ना हमको दे दिया और तो अब मैं उस बैग के बिना हूँ और विदाउट विदाउट जैकेट आप देख सकते हैं और मेरी मैंने शॉल ली लिया तब ही ले है आप सो गाइज अभी हम होटल आ चुके हैं एंड वो हम लोग जीप में आए थे वो हमें की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पे। सो गाइज़ अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे और मेरे हैंड्स देख सकते हैं आप इतने ज़्यादा रेड हो गए हैं बिकॉज जो मेरी जो हालत है ना इस टाइम में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना गंदा है। मैं यहाँ पर दरवाज़ा बंद करती हूँ। एक्चुअली हमारे साथ क्या हुआ है कि हमारा ना वो हम जीप में आए और जीप में आए तो हमारा वो एक्सपीरियंस इतना वो था कि मैंने जीप की ना वो नहीं बनाई थी वीडियो नहीं बना पाई और ये देखिए मैं कितना फिर उस जीप में आए हम लोग उस जीप में और इतना मज़ा आया वो छोटी सी मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत मुश्किल था और बहुत मुश्किल से हम बैठे हुए थे इतने सारे लोग थे तो उनके बीच में मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि मैं व्लॉग बनाऊं। मैं आप सबको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ कि ये कितना माशाल्लाह खूबसूरत है ब्रो व्हाट अ ब्यूटी यार कितनी खूबसूरती है चौगरान की सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ।
अब हमारा बैग आएगा, फिर ड्रेस पहनेंगे। सो गाइज अभी मैं आपको अपने रूम के बाहर दिखाती हूँ कि क्या है। सो अभी मैं बंद करके फिर आपको दिखाऊंगी। चलो लेट्स सी, अब हमारे रूम के बाहर। ओके सो फर्स्ट हम यहाँ से एंटर होंगे, देन हम क्या देखते हैं, यहाँ पे लिखा है हिबा एंड आहिल। एंड जो आहिल है उन्होंने हमारे साथ रूम शेयर किया, लाइक रूम में एक हमारे साथ क्यूट सा बीबी भी है। ये है वो क्यूट सा छोटा सा व्लॉगर आहिल, ये देखिए तो प्यारा है। और इतनी ठंड लग रही है ना, वो बेचारे को भी इतनी ठंड लग रही है, क्योंकि हमारा जो सामान है वो अभी तक नहीं आया, क्योंकि वो दूसरी उसमें था तो अभी वो बिल्कुल भी नहीं आया। यहाँ पे मैंने बैठ के टिकटॉक बनाई है, क्या आला टिकटॉक बन रही है यार, लव है यार, कमाल। A few moments later, guys. Hello, guys. Welcome again. अब हम जा रहे हैं बाहर अपना बैग लगेज जो बैग लेने, और ये मुझे उन्होंने कोट प्रोवाइड किया जो हमारे साथ रूम शेयर कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड है, कौन सी जगह से ऊपर जाएंगे तो कौन सी जगह से नीचे जाना है। तो अब यहाँ से हमने ऊपर जाना है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं फ्रीज हो रही हूँ। बस हवा निकल गई, ठंड है कि हम लोग इतना कम चीज लाए थे, हम समझ रहे थे कोई ठंड वंड नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे जो ठंड है ना, OMG। ओके गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं खतीजा के रूम में। एक्चुअली में हम लोगों ने ड्रेस चेंज कर लिया था क्योंकि बैग आ गया था, तो फिर वहाँ से मैंने ड्रेस पहन लिया। अभी बहुत चिल और आराम, इतनी सर्दी नहीं लग रही, लेकिन जी स्लीपर्स के साथ वाओ नाइस कॉम्बिनेशन। ये मैंने हेनरी मैंने पकड़ी हुई है और चलते हैं अब उनके रूम में और वहाँ पर आराम से करते हैं। वहाँ पर बस नीचे कार्पेट वगैरह, तो जिसकी वजह से हम लोग इतना फील नहीं हो रहा। चल चलते हैं, शायद वो रूम में ना हो, तुम तो लोग। ओके सो अभी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे एक्चुअली में बूट पहन के आ जाना चाहिए, बिकॉज ये जो है ना इस तरह मुझे स्लीपर्स में चला नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने इसके सॉक्स पहने हैं ना। और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और बहुत ठंड लग रही है यार, बहुत प्लीज। सामने जो काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं और वहाँ से जाकर हम कुछ अपने ले लेते स्नैक्स वगैरह, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वो है वहाँ पर। यहाँ से हमने बहुत कुछ लिया, यहाँ पे एक शॉप थी छोटी सी, तो यहाँ से हमने बहुत कुछ लिया, जैसे कि अब बहुत कुछ नहीं रेडिंग लिया, एंड देन कुछ खाने पीने के लिए स्नैक्स लिए, क्योंकि आपको पता है ना रात को जो भूख लगती है ना वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं, हमारे जो होटल है ना वो थोड़ा नीचे लेट्स गो गाइस, अब यहाँ से चलते हैं। यहाँ से जा रहे हैं और मेरे से अभी ब्लॉगिंग भी नहीं हो रही, क्योंकि मेरे हैंड जो है ना वो फ्रीज हो गए, बल्कि मेरा नोज रेड हो गया, इधर रेड हो गया कि मुझे बोला नहीं जा रहा और मेरे हैंड जो है बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड है, मगर शुक्र मोटे कपड़े लाए थे। मैं समझ रही थी कि ना वहाँ पे इतना कुछ नहीं होगा, तो बस सर्दी नहीं होगी थी, क्योंकि लाहौर में इतनी सर्दी नहीं हुई अभी तक ना, तो मैं समझ रही थी वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होगी। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग तो बहरा में गए, वहाँ पे भी इतनी सर्दी नहीं थी, जब हम लोग एंटर हुए ना ऐसी लाइक विलेज टाइप में जगहों पर, तब जो ठंड पड़ी ना आई है, एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं अभी, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी। यहाँ पर खाना स्टार्ट हो गया और हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, और हम लेट हो गए, हमने अभी खाना भी नहीं खाया, हम सो गए थे और अब हमने कुछ खाना भी खाया, और हम चल रहे हैं वहाँ से, सब खाना खा रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, वहाँ पे उन्होंने अब खाना बड़ी मुश्किल से दिया है, वो खाना खाएंगे, फिर उसके बाद आई थिंक सो हम घूमने भी नहीं गए, क्योंकि बस इन्होंने यहीं पे कहा कि आप आराम से स्टे करो। वहाँ पे गए थे खाने पीने के लिए, कुछ लेने के लिए स्नैक्स, अब हम बस जा रहे हैं खाना खाने, प्लीज़ खाना खाने जा रहे हैं। और अभी हम ये लॉक कर देंगे रूम, और यहाँ पे बड़ा मसला होता है लाइट का, और यहाँ पे अभी हमें फ़ोन चार्जिंग भी लगाना होता है, तो मेरी फ़ोन की बैटरी है इतनी, तो अब खाते हैं कुछ, चलो फिर बना लो वीडियो। आयशा ओके आयशा क्या फील कर रही हो, कैसा लग रहा है? बहुत ठंड है, कुछ बताओ इनको कि कैसा फील हो रहा है यहाँ पे, कैसे लाहौर में, कैसा था यहाँ पे, कैसे लाहौर में? बहुत नहीं है, कैसे थे लाहौर में, बहुत गंदा, इससे अच्छा इधर आ जाओ, थोड़ा सा गंदा। सही बोला यार, कहाँ गई आयशा, खतीजा कहाँ गई? खतीजा कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। अब क्या कर रही है? मैं कुछ नहीं, टाइम पास। कैसी लग रही है आपको सर्दी यहाँ की? बहुत, मेरे तो हाथ कुछ भी नहीं, काम ही नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे मेरे हाथ, यहाँ पे मुझे लग रहा है इतने रेड हो गए ना। अभी हम लड्डू खेलेंगे, खतीजा यहाँ पे लेके आओगी, यहाँ पे लेके आओगी, कहाँ पे? यहाँ पे नहीं जाना, नहीं जाना, लगाया जाना ना, कसम से। ओके इनकी मामा कह रही है हमारे रूम में आके, किस रूम में जाके लेके खेलते हैं? ठीक है फिर चलते हैं, पहले उस रूम में चलते हैं। अभी मैं जा रही हूँ खतीजा के रूम में, हमने लड्डू खेलनी है, मामा जाएगा हम लड्डू खेलेंगे, फिर कुछ भी नहीं करेंगे, लड्डू करने चलते हैं। ये हमारे लड्डू, हमने कौन सा लड्डू कहा था?
पता नहीं, मैं समझ थी वो रियल वाली होगी, ये तो गेम है, चलो यार ब्रो, ब्रो जगह अगर तुमने ये बारी चली तो मेरा मेरे से ब्रो कोई नहीं होगा। अभी हम जाकर कॉफी और चाय पी रहे हैं और यहाँ पे हमने लड्डू खा लिया, मजा आ गया, लेवल 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 हो गया। अगेन कुछ खाने पीने के लिए खा रही हूँ, सब ड्रिंक ड्रिंक खा रही हूँ और पीऊँगी आराम से बैठ के। और सबसे आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ इसलिए, सो आई होप कि आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। आप कल जाके हम स्टार्ट करेंगे अपना ऑटो शूट का और दिखाऊंगी वहाँ पे हम यहाँ पे आप कैसे शूट करेंगे। सो बाय बाय टाटा, कल के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लेकिन ठंड बहुत है वहाँ पे। सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय टाटा, सी यू टुमारो, बाय बाय। और एक और इम्पोर्टेंट बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब, इम्पॉर्टेंट है। बाय बाय, कल मिलते हैं।